हनुमान जी का जीवन। एक बार एक वानर लड़का था, उसका नाम मारुति था। वह भारत से संबंध रखता था। उसके पिता वायु थे। वायु हवाओं के देवता हैं। उनकी माँ एक राजकुमारी बंदरिया थी। वह एक छोटा सा वानर लड़का था और बहुत बहादुर था। उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी। वह लड़का हनुमान जी थे। वे बहुत शरारती थे और दूसरों को तंग करके बहुत खुश होते थे। एक दिन हनुमान जी अपनी माता के साथ बैठे हुए थे। वे सुंदर फूलों के बगीचे में बैठे थे। सूर्य तेजी से चमक रहा था। हनुमान जी ने आकाश की तरफ देखा। उनकी नजर सूर्य पर पड़ी और वे ये देखकर बहुत खुश हो गए। वानर लड़की ने कहा, मुझे सूर्य बहुत पसंद है। ये कितना सुंदर, कितना गर्म, कितना सुनहरी और कितना चमकीला है। मुझे इसको पकड़कर इसके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगेगा। वे ऊपर गए। उन्होंने अपने हाथों में सूर्य को पकड़ लिया। उन्होंने इसके साथ एक गेंद की तरह ऊपर नीचे फेंक कर खेलना शुरू कर दिया। सूर्य इन सब से खुश नहीं थे। वे बहुत नाराज हो गए। ज्यादा परेशानी की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। सूर्य देवता ने इंद्र देवता को पुकारा। इंद्र देवता बिजली और तूफान के देवता हैं। वे अपने जादुई हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। सूर्य देवता चिल्लाए, इंद्र मेरी मदद करो। देखो ये शरारती वानर लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरी मदद करो। इंद्र देवता ने उनकी चीखों की आवाज सुनी। उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें सूर्य देवता चिल्लाते हुए दिखाई दिए। वे मारुति पर बहुत गुस्सा हो गए। इंद्र देवता ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने पूरे आकाश पर अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। तूफानी बादल आकाश पर इकट्ठे हो गए। इंद्र देवता ने कहा, सूर्य देवता को छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, नहीं। इंद्र देवता को गुस्सा आ गया। उन्हें हनुमान जी से इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। गुस्से में उन्होंने सफेद बिजली का एक गोला छोड़ा। ये वानर लड़के से जा टकराया। हनुमान जी जमीन पर गिर पड़े। वे बेहोश हो गए। वे जमीन पर एक मरे हुए वानर की तरह लेट गए। हनुमान जी की ठोड़ी पर एक निशान आ गया। यह निशान वज्र से पैदा हुआ था, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है। उसी समय उनके पिता वायु धरती पर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उनके दिमाग में एक सोच आई। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान खतरे में है। वे फूलों की घाटी की तरफ दौड़े। वे अपने बेटे को वहां देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा आंखें बंद करके जमीन पर लेटा हुआ है। वे ऊंची आवाज में बोले, मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया है? हवाओं के देवता डर गए। उन्होंने ही तेज हवाओं को चलाया था और उन्होंने ही पूरे संसार में तूफान लाए थे। लेकिन एकदम से सब तरफ शांति हो गई। सारा वातावरण शांत हो गया। हवा बिल्कुल थम गई। वायु देवता ने कहा, मैं तब तक हवा को चलने नहीं दूंगा जब तक कि मेरा बेटा हनुमान दोबारा सांस नहीं लेगा।
यह पूरे संसार के लिए एक चुनौती थी। इंद्र देवता डर गए। यह पूरे संसार के लिए एक गंभीर समस्या बनने वाली थी। पेड़ पौधे, जानवर और सब प्राणी हवा के अभाव में कमजोरी महसूस करने लगे। धीरे धीरे वे सब गिरने लगे। समय बीतने के साथ वे मरना शुरू हो गए। उनके पास सांस लेने के लिए भी हवा नहीं थी। सारा संतुलन बिगड़ गया। सब में असुरक्षा की भावना थी। इंद्र देवता, जो कि तूफानों और बिजली के देवता हैं, को इनके बारे में पता चला। वे उड़े और उन्होंने देखा कि ये सब क्या हो रहा था। वे पूरे संसार को ऐसा देखकर उदास हो गए। इंद्र देवता ने कहा, गुस्सा कितनी भयंकर चीज है। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे अवश्य वायु देवता से माफी मांगनी चाहिए। इस समय वायु देवता ने अपने बेटे हनुमान जी को अपने साथ ले लिया था। वे उसे जमीन के अंदर ले गए थे। वे उसे अपनी बाजुओं में लिटाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र ने कुछ दूसरे देवताओं की एक सभा बुलाई। उन्होंने वायु से माफी मांगने और संसार में पुनः हवा के आगमन की बात करने का निश्चय किया। हर कोई इससे सहमत था। वायु देवता ने उत्तर दिया, तब तक नहीं जब तक हनुमान सांस नहीं लेंगे। इसलिए देवताओं ने वानर लड़के को दोबारा जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने उसे एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब ये बड़ा होगा, इसमें बहुत सी जादुई ताकतें विद्यमान होंगी। वे अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बड़ा और घटा सकेगा। उसकी पूंछ में कई जादुई शक्तियां होंगी। वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को बड़ा और घटा सकेगा। वह आकाश में उड़ सकेगा। उसमें अगवाही करने की क्षमताएं होंगी। वह बंदरों की सेना की अगवाही करेगा। वह अपनी इच्छा अनुसार जीवित रहेगा। इंद्र देवता ने कहा, बिजली और तूफानों के गोले उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। सूर्य देवता ने कहा, आग उसे कभी नहीं छुएगी। हनुमान जी के पिता अब बहुत खुश थे। उन्होंने अपने वचन का पालन किया और हवा को दोबारा चलने दिया। सब पौधे, पशु और लोग जीवित हो गए। सबको यह देखकर बहुत खुश था। हनुमान जी ने पूछा, हमारे साथ क्या हुआ था? उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। वे अपने पिता की गोद से उठे और दोबारा से एक प्रसन्नचित वानर लड़का बन गए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा देवताओं ने वचन दिया था। हनुमान जी बड़े होकर संसार के सबसे अद्भुत वानर बने। वे एक विशाल और हरे भरे जंगल में रहने लगे। हनुमान जी की शिक्षा। अब हनुमान जी के बड़ा होने पर उनकी शिक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मानसिक रूप से हनुमान जी ने सूर्य को अपना धार्मिक गुरु स्वीकार कर लिया था। इसलिए वे सूर्य के पास गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें सारे ग्रंथों का ज्ञान दें, ताकि वे अपने जीवन में आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर सकें। सूर्य हनुमान जी को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि वे आकाश में अपनी यात्रा रोकने में असमर्थ है, क्योंकि इससे पूरा संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी इतने बलवान थे कि उन्होंने सोचा कि सब देवता उनके गतिशील गुरु को देखकर हैरान हो जाएंगे। वे इस बात के लिए राजी हो गए।
इस तरह हनुमान जी पूरे आकाश में घूमते हुए अपने पाठ की तरफ पूरा ध्यान देते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने सूर्य से बहुत कुछ सीखा। वह अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उदाहरण के रूप में सूर्य सुबह से शाम तक आकाश में घूमने में व्यस्त रहते थे और हनुमान जी को उनकी मदद लेने के लिए उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था। अंत में वे एक महान पंडित बन गए और बहुत कम लोग उनका मुकाबला कर सके। इस तरह हनुमान जी ने सूर्य को अपनी कर्तव्य पूर्ति के साथ साथ उन्हें शिक्षा प्रदान करने के योग्य बना दिया। 7 घंटों के छोटे से समय में ही हनुमान जी सब ग्रंथों के ज्ञाता हो गए। सूर्य ने हनुमान जी की शिक्षा प्राप्त करने की लगन को ही उपयुक्त दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन हनुमान जी ने उनको और ज्यादा स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। सूर्य ने तब हनुमान जी को अपने पुत्र सुग्रीव को शिक्षित करने को कहा, जो कि किष्किंधा में रहता था। उन्होंने उन्हें उसका मंत्री और साथी बनकर रहने का आदेश दिया।